हेलमेट लगा के था बंदा, हेलमेट टूट गया है, कुछ बंदे को हुआ नहीं है। एक जबरदस्त यहाँ दुर्घटना हो चुका है, हाईवे का जीप अगर आ चुका है। तो भाई साहब जेके वाले भाई आ गए अपना यार, कहाँ के बताओ भाई कैसा है? देखो ट्रक के ऊपर भाई साहब पूरा का पूरा ट्रेन का जो इंजन का बोगी। सो हेलो फिर स्वागत करते हैं आप सबका, एक और न्यू वीडियो हो चुका है। सुबह भी आप सबको गुड मॉर्निंग। पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा हमारा गाड़ी लोड हुआ था मधुपुर से और हम आए हुए हैं लखनऊ दुबग्गा मंडी। तो भाई दुबग्गा मंडी जैसे ही पहुंचे ना, सुबह सुबह फाइनली मेरा गाड़ी खाली हो गया, भाड़ा किराया मिल चुका था। और हम लोग सोचे ना भाई सुबह सुबह ही हम लोग लखनऊ मेन सिटी से निकल के बाहर चले आते हैं, तो यहाँ पे आ गए थे बाहर और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पे मस्त सो लिया हम लोगों ने। जब सो के उठे ना भाई तो हमें पता चल रहा है मेरे गाड़ी का टायर ही पंचर हो गया यार। तो फिलहाल छोटा वाला भाई इधर खोल रहा है, फटाफट टायर अगर पंचर बनवाते हैं उसके बाद निकलते हैं वाराणसी के लिए। ये जो हाईवे देख रहा है ये सुल्तानपुर हाईवे है। तो फिलहाल इस वीडियो को इसे कंटिन्यू करते हैं, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड एक प्यारा सा लाइक। एंड कौन कौन लखनऊ से वीडियो को वॉच कर रहे हैं भाई ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो एक बार इधर का व्यू चेक करें भाई, ये देखिए। तो चलिए पहले पंचर बनवाते फिर निकलते भैया। तो भाई मेरा ये वाला जो टायर है यही वाला पंचर हो गया है, अब पता नहीं भाई कैसे पंचर हो गया। वैसे भी हवा भी इसमें कम रखते हैं ठीक है, उसके बावजूद पंचर हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 40 और या फिर 50 रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हवा। तो चलिए कोई नहीं, छोटा वाला भाई उधर जगह वगैरह लगा रहा है, आप फटाफट खुलवाते हैं। और हमारे ये भाई साहब है, बना दोगे भाई? कितना देर में? आधा घंटा बन जाएगा ना? चलो भाई बहुत बढ़िया, तो चलिए खुलवाते फिर बनवा के निकलते हैं फटाफट यहाँ से। तो फाइनली भाई खोलना चालू कर दिए, इधर देख सकते हैं आप सब, ये देखिए। तो भाई बहुत सारे गाड़ी वाले ना छल्ला रिंग अगर लगा के चलते हैं तो छल्ला रिंग खोलने में बहुत आसानी होता है। और जो कंपनी वाला रिंग होता है, जो कंपनी वाले रिंग में रेडियल टायर चढ़ा होता है ना, उसको खोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हालांकि बहुत सारे पंचर वाले भाई रेडियल टायर को खोलने के लिए एक जुगाड़ बना के रखे रहते हैं, उसको ऐसे लगा के हैंडल रहता है दबाने से तो जल्दी जल्दी खुल जाता है। लेकिन भैया के पास देखिए रॉड का भैया बनवा के रखे हुए हैं, हालांकि इससे थोड़ा सा ना रेडियल टायर कटने का डर होता है, चाहे रेडियल टायर हो चाहे सादा टायर हो। कोई नहीं, भैया को दिखाएंगे कि एक जुगाड़ आप भी रख लीजिए अपने पास में, ताकि इस तरीके से ना खोलना पड़े। वो वाला जुगाड़ से खोलेंगे तो और जल्दी भी खुलेगा और इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा भैया को। भाई साहब फाइनली अपने गाड़ी का पंचर अगर बन चुका है, और भाई ये देखो पंचर बनवाने के बाद फाइनली टाइट भी हमने कर लिया, हम नहीं किया, छोटा वाला भाई किया है। अगर सब कुछ हम ही करेंगे तो फिर छोटा भाई क्या करेगा? तो इसी वजह से मैंने छोटा भाई को बोला कि यार ये सब काम तुम कर दो, हम मस्त बैठेंगे आज। तो खड़े थे देख रहे थे और टाइम भी नहीं लगा, 5 से 10 मिनट में फाइनली अपना पंचर बन चुका है। और ये भाई ने काफ़ी अच्छा हेल्प किया और तुरंत बना के दे भी दिया ठीक है। तो यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग सिंगाड़ा खाने के लिए भाई, गरम गरम सिंगाड़ा निकल रहा है और मस्त मज़ा आने वाला है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई साहब ये सिंगाड़ा लखनऊ का सिंगाड़ा भाई, और ये देखो ये गरम है ठीक है, ये भाई साहब गरम है और भैया अभी उबाल रहे हैं उधर चूल्हा में, वो देखिए चूल्हा उधर जल रहा भैया का। तो ये देखिए पूरा पूरा गरम है और छील के रखे हैं, और इसके साथ हमें चटनी भी मिलेगा। भैया चटनी थोड़ा ज़्यादा देना यार, चटनी आपने टेस्ट करवाया काफ़ी जानदार था आपका चटनी। तो भैया से ये ले लेते हैं, पहली बार हाँ कि उबाल के सिंगाड़ा किसके किसके यहाँ पे मिलता है, कहाँ कहाँ पे मिलता है, आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा भाई। ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं यहाँ सिंगाड़ा टूटता है और भैया लोग इधर बेचते हैं। ये देखिए आधा किलो दे दीजिए आप, 40 में बता रहे थे हमें कुछ, चलिए ठीक है। तो ये वाला जो है ना भैया बता रहे थे कि ये जो हरा वाला होता है ये बहुत मीठा होता है और ये वाला थोड़ा कम मीठा होता है। तो मैंने एक पीस टेस्ट किया भाई, एकदम चीनी जैसा लग रहा था, तो मैंने सोचा आधा किलो इसको भी ले लेते हैं, खाते खाते बनारस तक पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो देख सकते हैं एकदम ताज़ा ताज़ा सिंगाड़ा है एकदम काफ़ी। और तो अभी छठी मैया का पूजा भी आने वाला है और दाम बढ़ जाएगा ना भैया, कितना रुपये? 150 हो जाएगा? हाँ 150 हो जाएगा ना, हाँ। चलिए आधा किलो कर दीजिए, भैया को पेमेंट देते हैं। और उधर भैया उबाला वाला भी पैक कर दिए हैं, चटनी थोड़ा ज़्यादा लियो ना यार। चलो ठीक है भाई निकलते हैं फिलहाल आगे। तो भाई ये अपना उबला हुआ सिंगाड़ा, तो इसमें इसको पकड़ो थोड़ा सा यार, तो इसमें तो हरा चटनी लगाते हैं। ये भाई हरा चटनी अपना आ गया, और भाई पहले टेस्ट करते हैं यार। भाई साहब मजा आ गया यार, सही बता रहे हैं मजा आ गया। चलिए निकल चुके हैं लखनऊ से बनारस के लिए, लखनऊ को टाटा करते हैं, चलते हैं अपने बनारस की ओर। सेफ ड्राइव यार, सेफ ड्राइव। देखो भाई हेलमेट लगा के था बंदा, हेलमेट टूट गया है, कुछ बंदे को हुआ नहीं है, देखो
आराम से भाई, आराम से, आराम से यार, आराम से, आराम से। चलो भाई, कुछ भी हुआ नहीं बंदे को, सबसे अच्छा लगा देख के। एक जबरदस्त यहाँ दुर्घटना हो चुका है, हाईवे का जीप वगैरह आ चुका है, देख सकते हैं, जनान गाड़ी है वो भी आ चुका है। इसमें भाई क्या लोड था भैया? संतरा नहीं था यार, इसमें ही भाई फल लोड था, देख सकते हैं। तो ये बाहर का है, कहीं का गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है भाई। गाड़ी का नंबर प्लेट वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त भाई नुकसान हुआ है यार, बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अफसोस होता है यार। बाहर का गाड़ी वाला बेचारा है, अब बताइए यहाँ पे उसका नुकसान हो गया, अब उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा भाई, वही जानता, पूरा पूरा गाड़ी ख़त्म हो गया यार। भाई पता है, हम लोग भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहते हैं, क्योंकि भाई देखो, हम लोग भी एक तरफ से यार राइडर है, इतना दूर दूर जाते हैं सब्जी वगैरह लेके, लेकिन यार ड्राइवर का ना कोई जल्दी रिस्पेक्ट नहीं करता है भाई। चाहे हमारा पिकअप हो या फिर कोई ट्रक वाला भाई हो, पता है ट्रक वाला भाई लोग तो और दूर दूर चलता है, मतलब हम लोग तो 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक सीमित है, लेकिन ट्रक वाला भाई 2000 किलोमीटर कहाँ तेलंगाना से आ जाता है वाराणसी, कहाँ तेलंगाना से बंगाल आ जाता है, तो बहुत दूर दूर का उनका सफ़र रहता है भाई, कहाँ जम्मू कश्मीर से अपर लाद के आ जाता है, तो बहुत दूर दूर सफ़र है भाई। तो इसी वजह से भाई थोड़ा सा हम यही चाहते हैं कि जितने भी हम लोग ड्राइवर हैं, थोड़ा सा हम लोग का रिस्पेक्ट किया जाए, क्योंकि भाई इतना ही हम लोगों के लिए काफ़ी है। कहीं पे भी पता है एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा क्यों होता है अपने इंडिया में? क्योंकि अपने इंडिया का जो व्यापारी लोग है ना, वो ड्राइवर को समझना नहीं चाहता यार। ड्राइवर को बोलेगा कि भाई आपका इनाम है 5000 रुपये का, जो लॉन्ग रोड पे चलता है, वैसे तो हम लोग का इनाम वगैरह ख़त्म हो चुका है, मतलब छोटा गाड़ी का भी इनाम वगैरह नहीं लगता, बड़ा गाड़ी का लगता है, तो वो लोग ड्राइवर को बोलेंगे 5000 का इनाम दे देंगे। तो थोड़ा सा लालच में भी ड्राइवर लोग चलाते हैं। अब भाई तनख्वाह कम होता है ट्रक का, तो भाई थोड़ा सा लालच तो सबके अंदर होता है ना भाई। तो कभी कभी दुर्घटना इसलिए भी होता है क्योंकि पार्टी बोलता है कि जल्दी से जल्दी आइए, मंडी छूट जाएगा, आपको 72 घंटा का मंडी करना था, आपका 64 घंटा कैसे हो गया, मतलब सॉरी 72 घंटा का मंडी था, अब 80 घंटा आपका हो गया, अभी पहुँचे नहीं। तो ये सब चीज़ के लिए भी एक्सीडेंट होता है, नींद लगेगा, झपकी लगेगा, उसी में डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ गया, गाड़ी पलट गई, तो ये सब चीज़ें भी होता है भाई। हम लोग कभी भी जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करते, कभी भी जानबूझ के किसी को हानि नहीं पहुंचाते, हम लोग भी इंसान है, हमारा घर परिवार है, अपना भी जान हम हथेली पे लेके चलते हैं। बस यही थोड़ा सा आप लोगों से कहना था कि रिस्पेक्ट करिए। आज आप लोग ये सब देख रहे हैं, जितने भी अपने ट्रक वाले भाई लोग हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं बेचारे, कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं यार, बताइए ना, ये सब क्या है? मानते हैं कि हम लोग अपना पेट भी पाल रहे हैं, लेकिन इतना दूर दूर जा रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा तनख्वाह और बहुत ज़्यादा बचत हम लोगों का नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी भाई काम तो करना है ना, बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिए हम लोगों का भी, बस इतना ही चाहते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी ड्राइवर से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ भाई उसको आप लोग मारिए मत यार, थोड़ा सा गाली गुत्ता मत करिए, रिस्पेक्ट करिए, हो जाता है सबसे गलतियाँ, बस इतना ही बोलना चाहेंगे यार। तो भाई साहब, जेके वाले भाई आ गए अपना यार, ये देखो जेके वाले भाई है और एप्पल किंग, एप्पल लोडिंग है भाई की गाड़ी में यार। व्यापारी साहब लोग वीडियो देखते हैं, बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी अगर ड्राइवर यार थोड़ा सा लेट हो जाए पहुंचने में, क्योंकि देखिए रोड है, कभी जाम लग जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी दुर्घटना हो जाता है रोड पे तो और जाम लग जाता है, तो ये सब चीज़ें हो जाता है। तो थोड़ा सा व्यापारी साहब हम लोगों को भी आप लोग समझिए, क्योंकि भाई हम लोग का भी घर परिवार है, तो भाड़ा घर अभी बहुत व्यापारी काट लेते हैं, बहुत लोग नहीं काटते हैं, तो जो नहीं काटते उनको दिल से सैल्यूट है, जो काटते हैं तो भाई प्लीज़ ऐसा मत किया करो यार। और बहुत लोग अनलोडिंग का भी पैसा लेते हैं, 2000 रुपया 3000 रुपया, हमारे से नहीं, पिकअप ट्रक वाले भाई लोगों से कुछ कुछ कमेंट करते हैं कि भाई हमने एप्पल खाली किया था, इतना पैसा यहाँ पे लग गया, तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना दूर दूर से अगला आदमी मेहनत कर रहा है, मेहनत करके आ रहा है, ऊपर से आप अनलोडिंग का भी खर्चा, आप लेबर का पैसा ट्रक वाले से ले रहे हो, तो ये सब नहीं करना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए भाई। फाइनली सुल्तानपुर टोल प्लाजा के पास पहुँच चुके हैं, तो पीछे है टोल प्लाजा, यहाँ पे एक भाई देखे बिरयानी बेच रहे थे मुरादाबादी, तो खाने के रुक गए हैं, तो चलिए मुरादाबादी बिरयानी वगैरह खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, और लग भी चुका है प्लेट, तो भाई के लिए एक पाव और अपने लिए एक पाव, खा के बताओ भाई कैसा है, देखो झारखंड के जैसा है या फिर नहीं है कैसा टेस्ट है? वहाँ का बात अलग है, वैसा मज़ा नहीं है ना? ठीक है, बढ़िया, लेकिन वैसा नहीं है। चलो भाई ये है बिरयानी भाई, एक प्लेट अपना भी, हाँ अपना भी प्लेट लग चुका है भाई, तो चलिए फिनिश करते हैं फिर निकलते हैं।
फाइनली हमने बिरयानी वगैरह खा लिया है। कब से भाई सोच रहे थे कुछ मिल जाए खाने के लिए तो मज़ा ही आ जाए, तो देखा यहाँ पे बिरयानी का दुकान था और दोपहर का टाइम भी है, बिरयानी मिल गया, मज़ा आ गया खा के, थोड़ा सा पेट को शांति मिला भाई, कब से भूख लगा हुआ था। तो चलिए टोल अगर टाकते हैं, आगे चलना है पेट्रोल पंप पे, डीजल टैंक भी अपना फुल करवाना है क्योंकि पूरा का पूरा डीजल टैंक अपना खाली हो चुका है। पता नहीं भाई आज ना कुछ ज़्यादा ही अपना डीजल पी लिया गाड़ी यार, पता नहीं। पहुंच चुके पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे मस्त भाई डीजल टैंक अपना करवा रहे हैं फुल, तो चलिए फुल करवाते हैं, पैसा देके फिर यहाँ से निकलते हैं आगे। भाई साहब चेक करें आप लोग, ये देखो क्या लोड है भाई, ये है ट्रेन, ठीक है, ट्रक के ऊपर भाई साहब पूरा का पूरा ट्रेन का जो इंजन का बोगी होता है वो पूरा लोडेड है, देख सकते हैं आप सब। भाई पहली बार मतलब ये नेशनल हाईवे में देखने को मिलता है, लेकिन इस हाईवे में पहली बार देखा और पहली बार भाई आए भी हम हुए हैं। चलते हैं, यहाँ पे रेल फाटक बंद है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं भाई। तो हाँ भाई फाइनली वाराणसी में एंट्री कर चुके हैं, जस्ट अभी पहुंचे हैं हम अब भोजो भी, तो ये देख सकते हैं भाई पूरा जाम शाम लगा हुआ है क्योंकि अभी कल पूरा खाली था क्योंकि भाई अभी शाम का टाइम है, 3 बजने वाले हैं, तो अच्छा खासा यहाँ पे जाम लग गया था कि दोनों तरफ मार्केट है, आदमी मार्केट वगैरह करने के लिए आता है। तो चलते हैं, हम जा रहे हैं प्रदीप भाई से मिलने के लिए, कुछ काम है उनसे, तो वो आ रहे हैं बाईपास पे टेंगरा मोड़ पे अपने घर से, उनसे मिलना है, उनको कुछ देना है, देने के बाद फिर हम निकलेंगे अपने घर पे। तो चलते हैं फटाफट आगे। भूख लग चुका है, सोच रहे कुछ मिठाई और दही अगर मिल जाता तो मज़ा आ जाता। चलते हैं, एक दुकान अपना फिक्स है आगे, वहीं पे अगर मिलेगा तो खाएंगे, उसके बाद फिर प्रदीप भाई से मिलेंगे, फिर उनको भी कुछ चाय पानी कराएंगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट घर निकलेंगे। सब पहुंच चुके हैं हम रामनगर, छोटा वाला भाई जा रहा है घर क्योंकि इसका तबीयत होने लगा खराब और नींद भी आ रहा था इसको, और हम जा रहे हैं अपने प्रदीप भाई से मिलने के लिए, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाना है हमें। अरे भैया बढ़ाइए थोड़ा सा, जाइए चलते हैं फटाफट प्रदीप भाई से मिलते हैं और उनके लिए कुछ लेके आए हैं, उनको देते हैं, उसके बाद फिर हम भी फटाफट घर निकलते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं बाईपास और हमारे प्रदीप भाई भी इधर आ चुके हैं। सभी को हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, लगभग 1 महीने बाद, ये 1.5 महीना हो गया होगा। ये बंगाल चल रहे थे और मैं इधर चल रहा था, उसके बाद जो है, तो ये जो बुकिंग लेके गए थे ये प्रदीप भाई का ही बुकिंग था, अपना नहीं था, क्योंकि इस बुकिंग में ना रेगुलर प्रदीप भाई चल रहे हैं लखनऊ वाले रोड पे, तो भाई काफी अच्छा लगा लखनऊ जाकर, फर्स्ट टाइम हम लखनऊ गए थे। हाँ बस बहुत दिनों से ना, मतलब बहुत दिन से मन कर रहा था कि एक बार लखनऊ जाना है, एक बार जाना है भाई, फाइनली चले ही गए लखनऊ। लखनऊ का अपना मजा है भाई, एक हाँ। मतलब अपनापन सा लगता है, वहाँ जाते कुछ अलग लगता नहीं है। घूमते हाँ। घूमते जाओ, पूरी शहर घूम लो, एक तो सुबह सुबह हम लोग जाते हैं, पूरी सिटी होती है खाली, हाँ, पूरा खाली है, खाली रहता है और अपने को मजा आता है देख के कि मजा क्या, मतलब क्या सीन है सुबह सुबह। हम भोर में पहुंचे मस्त भाई, 4 बजे गाड़ी खाली हो गया, 5 बजे बाहर आ गए पैसा वगैरह लेने के बाद, अब फिर आराम से यहाँ पे भी 4 बज रहा, 4 बजे घर पे भी आ गए। तो चलिए प्रदीप भाई जा रहे हैं अपना गाड़ी को लोडिंग करने के लिए, इनसे कुछ काम था, कुछ देना था इनको, मैंने दे दिया है कुछ गिफ्ट भाई साहब के लिए, लेके आए थे वो, इनके वीडियो में आपको शायद दिख जाएगा, दिखाएंगे कोई नहीं, कुछ कुछ चीजें होता है जो कि छुपा कर रखना पड़ता हम लोगों को, नहीं भाई घर जाएंगे नहाएंगे धोएंगे मस्त और चलेंगे भाई लोडिंग पे। हाँ भैया लोडिंग करने जा रहे हैं, भैया जाएंगे आज लखनऊ ना, हम तो रोज ही जाते हैं। हाँ भैया रोज जा रहे हैं आजकल, चलिए ठीक है, फिलहाल हम निकल रहे हैं घर और प्रदीप भाई निकल रहे हैं अपने घर पे। फाइनली मैं पहुंच चुके अपने कॉलोनी में, गाड़ी को मैंने इधर लगा दिया है, चल रहे घर पे, मस्त नहाएंगे धोएंगे और सोएंगे। तो अभी बच चुका है 4:30, खा पी के सोएंगे, मिलते हैं डायरेक्ट शाम को, मतलब जब सो के उठेंगे तब मिलते हैं भाई। भाई आप लोगों ने देखा हम आ गए थे अपने टाइम से घर पे, तो फिलहाल अभी रात का 9 बज रहे हैं। बता दे भाई आज ना घर पे खाने के लिए सबका मन था कि भाई चिकन खाना है, चिकन खाना है, और भाई देसी वाला चिकन, भाई एक होता है ब्रॉयलर चिकन और एक होता है देसी चिकन, तो भाई फाइनली देसी चिकन हमने 3 kg आज खरीदा था, मस्त भाई बना रहे हैं, पूरा फैमिली मिलकर बना रहे हैं। तो इधर ये देखिए अभी खोला जा रहा है, खोलो चलाओ, लहसुन अगर आया भाई, ये देहाती स्टाइल में कुछ बन रहा है, ये देखिए ये देखो भाई ये देसी चिकन, हाँ ये देखो लेग पीस है। तो चलिए फाइनली चिकन अगर अपना तैयार हो ही गया है, खाना खाते हैं, तो
तो मिलते हैं डायरेक्ट आप लोगों से सुबह, ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि भाई हमें नेक्स्ट ब्लॉग में निकलना है वेस्ट बंगाल। अभी से भाड़ा अपना हो चुका है कंफर्म, तो फिलहाल खाना रखा के मस्त रेस्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस। ऐसे प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका भाई मेहनत करेगा और आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आता रहेगा। तो ऐसे छोटे भाई पे प्यार मोहब्बत बनाए रखिए एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।